प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय उसको 42वां आयत, मैथ्यू चैप्टर 12:42, लेकिन की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यह वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। एक व्यक्ति के बारे में जब बाइबल कहते हैं तो सबसे ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान को इस पृथ्वी पर अगर एक व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, अगर परमेश्वर ने किसी को दिया, वो सुलेमान था। दाऊद की सारे आशीष और सारे वायदाएं सुलेमान के ऊपर था। दाऊद की सबसे बड़ी इच्छा थे कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना, वो सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। और दो बार परमेश्वर सुलेमान को प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया, उनसे एक वर मांगा, और सुलेमान ने जो वर मांगा परमेश्वर ने दिया भी है। परमेश्वर जो नहीं मांगा, आदर भी, महिमा भी, धन भी, सब कुछ दिया। उनका नाम पूरे पृथ्वी पर मशहूर हो गया। दक्षिण की रानी शेबा इनके ज्ञान को जानने के लिए इसे ढूंढ कर आया। इस प्रकार हर प्रकार की महिमा में, स्प्लेंडर एंड ग्लोरी में सुलेमान को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा आशीष दिया है। लेकिन आज ये भी उनकी साथ साथ बोलना पड़ेगा, सुलेमान ने परमेश्वर से पाया हुआ उन आशीषों को, वायदों को संभाल कर नहीं रखा अपने जीवन के अंतिम समय पर, और परमेश्वर के वचन से, उस वायदे से, उस ब्लेसिंग से वो दूर चले गया, अन्य बातों की ओर चले गया। वो अपने जीवन में परमेश्वर से मिला हुआ उस आशीषों को अपने पीढ़ियों तक देने के लिए वो नहीं दे पाया। परमेश्वर ने बोला आपके पिता दाऊद की वजह से मैं आपको आशीष देता हूँ, लेकिन आपके साथ एक खत्म हो जाएगा। मैं आपको चेतावनी भी देना चाहूँगा, मैं अपने जीवन काल में परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों की, वचनों की अनुसार चले, खोना नहीं, जो पाया है उसे खोना नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, अगले पीढ़ी में भी वो जाने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।